अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, अ वेरी वेल नोन स्लोगन। 80 के दशक में शुरू हुए राम मंदिर आंदोलन के वक्त ये नारा गूंजने लगा था, या फिर यूं कह ले कि उस वक्त ही हिंदूवादी संगठनों ने इस बात का ऐलान कर दिया था कि अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का ही नंबर आएगा। ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर हो या फिर श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद, दोनों में ही एक सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी ये है कि दोनों ही मंदिर और मस्जिद एक दूसरे से सटे हुए हैं, और दोनों ही मामले में हिंदू पक्ष का कहना है कि मंदिर के टूटे हुए अवशेषों से ही मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद की जांच हो और नतीजा हिंदू पक्ष में आने के बाद एक बार फिर से उसी जगह पर मंदिर बने। Now to understand the matter in detail, we need to know the history first. 1618 में मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में केशव देव मंदिर का निर्माण हुआ था, जिस पर उस वक्त करीब 33 लाख रुपए खर्च हुए थे, which probably was made by राजा वीर सिंह देव अबुंदेला ऑफ ओछरा। टेम्पल्स इन श्री कृष्ण जन्मभूमि कॉम्प्लेक्स वर डिस्ट्रॉयड मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट हिस्ट्री। माना जाता है कि औरंगजेब ने 1670 में मंदिर को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसकी जगह पर ईदगाह मस्जिद बनाया गया था। द रेलिंग वॉज रिमूव्ड बाय मथुरा गवर्नर अब्दुल नबी खान ऑन द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब, एंड ही बिल्ड द जामा मॉस्क ऑन द रुइंस ऑफ द हिंदू टेम्पल्स। औरंगजेब अटैक्ड मथुरा एंड डिस्ट्रॉयड द केशव देव टेम्पल इन 1670 एंड बिल्ड द शाही ईदगाह इन इट्स प्लेस। 1803 में मथुरा का जो पूरा इलाका है वो ब्रिटिश रूल के अंदर आ गया। उसके बाद इन 1815 The East India Company auctioned the area of Katra Keshav Dev, which was purchased by then Raja Patminal of Banaras. Raja ji ki dili tamanna thi ki us jagah par Krishna Bhagwan ka mandir bane, jahan unka janm hua hai, lekin unki ye tamanna adhuri reh gayi. Later his family, however, continued to have the ownership rights over Katra Keshav Dev, but the Muslims of Mathura challenged the right of Raj Krishna Das, the owner of Katra, twice in the civil suits. In both the cases, the Allahabad High Court ruling was that Raj Krishna Das was the real owner of the Katra Keshav Dev. This happened around 1935. लंबे समय के जद्दोजहद के बाद finally in 1968 the matter got solved. दोनों पक्ष 1968 के एग्रीमेंट पर राजी हुए। एग्रीमेंट में दोनों ही जमीन के बंटवारे के बारे में साफ साफ लिखा है कि कितना हिस्सा मस्जिद का है और कितना मंदिर का। ये विवाद उस समय निपट गया, लेकिन अब फिर से इस मामले ने तूल पकड़ा है, क्योंकि अब हिंदू पक्ष उस एग्रीमेंट को वैलिड नहीं समझता। मामला कोर्ट में है और फैसला अदालत को ही करना होगा। ऐसे ही तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना होगा।